तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल डेविल ऑन वेकेशन पे। अभी महाकाली मंदिर में ये आरती चल रही है, तो उसका आपको सुनाई दे रहा होगा घंटी टिंग 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 टिंग, और बाजे भी बज रहे हैं। बाकी अभी मैं आ गया हूँ इंदौर में। कल मैं वहाँ से निकल आया था, बस स्टैंड पे मैं रात को रुका था, मुझे कहीं रूम नहीं मिला, रूम बहुत महंगा मिला तो बस स्टैंड पे रुका था, और सुलभ शौचालय में मैंने अपना सारा कुछ कर लिया। उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ रजवाड़ा। भाई एक चीज़ मैंने सीख ली है, सुबह जल्दी उठने का। जैसे ही मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, मेरे पास पूरा दिन बच रहा है। अब मैं 4-5 जगह ये पूरा कवर करके शाम को ओमकारेश्वर निकल सकता हूँ। बाबा बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ तो ओमकारेश्वर शाम को यहाँ से निकल जाऊँगा। यहाँ पे घूमना है रजवाड़ा पैलेस, लालबाग पैलेस, और कांच का मंदिर, और अगर सही रहा तो पाताल पानी वाटरफॉल भी जाएंगे, और नहीं सही रहा तो कोई बात नहीं। अगर सब कुछ ठीक ठीक चला तो हम निकल सकते हैं शाम को ओमकारेश्वर। देखते हैं शाम को ओमकारेश्वर निकल पाते हैं या नहीं। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ रजवाड़ा पैलेस। बस स्टैंड में रुका हुआ था, बस स्टैंड से 200 बोल रहा हूँ यार, 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर तो पैदल अपन मार देंगे। बोल रहे हैं 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर कौन सा ज़्यादा है। चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँच पाते हैं। इंदौर यार रियली सही में बहुत साफ़ है यार, बहुत साफ़ है इंदौर, कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी। ये देखो आप कितना साफ सड़क है। यही कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट होता है अपने स्टेट का, उत्तर प्रदेश का कोई डिस्ट्रिक्ट उठा ले एकदम गंदा। महाराष्ट्र में नवी मुंबई भी साफ़ है, ये बहुत साफ है। इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का खिताब भी कई बार मिल चुका है, तो इंदौर वाले सफाई भी काफ़ी अच्छे हैं और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं इंदौर के। अभी देखते हैं, चलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। मेरी आँखें छोटी हो जा रही होंगी ना। चलो देखते हैं। चलते चलते मैं बैठ गया एक जगह पे, अमरुद खाने लगा था। अमरुद खाने के लिए मैंने एक जगह रुके, तो उन्होंने बताया कि भैया, मतलब उनसे पूछ रहा था कि रजवाड़ा पैलेस किधर जाना है और लालबाग किधर जाना है, तो मैंने उनसे फिर बोला कांच मंदिर, तो बोला कांच मंदिर ये पास में ही है वहाँ। वो देखो वहाँ पर मैं अमरुद खा रहा था, और उन्होंने बोला एक कार के सामने। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। वो देखो, वो सामने आप देख रहे हो लिखा हुआ है नो पार्किंग, यहाँ पे देखा नो पार्किंग के जस्ट नीचे देखो दो दो बाइक खड़ी, उधर भी नो पार्किंग जुर्माना 500, दो स्कूटी खड़ी हैं, इधर भी नो पार्किंग जुर्माना 500 और बाइक खड़ी है। तो अलग लेवल पे खेलते हैं हमारे भारतीय लोग। और ये है अपना सामने जो आप देख रहे हो, ये है कांच मंदिर। अभी अंदर जाके पूछना पड़ेगा कि इसमें मैं वीडियो बना सकता हूँ, वीडियोग्राफी अलाउ है या नहीं। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप देखते हो कोई भी मंदिर होता है उसमें अलाउ नहीं करते वीडियोग्राफी, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरा अंदर से कांच इसका बना हुआ है। और ये पहले कोई महल वहल था, शीश महल कुछ ऐसे ही कुछ नाम था, बाद में मतलब महल नहीं, ऐसे हवेली टाइप, बाद में इसे बंद कर दिया गया रखने के लिए। अभी मैं उनसे पूछता हूँ मैं अंदर जाके शूट कर सकता हूँ कि नहीं। मंदिर है, मंदिर को शूट नहीं कर सकते आप, मैंने बोला था जैन मंदिर है ये, और इसको आप शूट नहीं कर सकते। बाहर से जितना छोटा मोटा देख सकते हो वही देख सकते हो। ये देखो, अगर मैं दिखा पाऊँ तो शायद थोड़ा मोड़ा जो भी, ये देखो ये पूरा उसका है। अच्छा ऐसे पूछते भी हो आप कि जैन हो कि नहीं। अच्छा अच्छा मतलब अगर आपको जैन जो हमारे होते हैं भाई, अगर वैसा आपको बोलना कोई मंत्र होता है शायद वो बोलना नहीं आता। भैया भैया एक्सक्यूज मी, भैया जो आपने बोला उसको क्या कहते हैं? नमोकार मंत्र। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नमोकार मंत्र अगर आपको आता है तभी आप अंदर जा सकते हो। मैं भी सीखूंगा। तो नमोकार मंत्र अगर आपको आता है तभी आप अंदर जा सकते हो। बहुत मतलब बढ़िया मंदिर था यार, पूरा शीशे वीशे से बना हुआ था, अंदर उसकी सीढ़ियाँ भी शीशे से बनी हुई थी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। लेकिन यही है कि आप जैन हो तभी जा सकते हो नमोकार मंत्र पढ़ के। हमें ना नमोकार मंत्र आता, हमें तो हमारे हिंदुओं में तो बच्चों को यही नहीं पता है कि राम और लक्ष्मण कितने भाई थे। बाकी चीज़ें तो छोड़ो आप, जैन में देखो क्या मस्त उन्होंने सुना दिया तुरंत, और फिर वो अंदर चले गए। अच्छा फ़ोटो ले लूँ भैया का? फ़ोटो ले लो, बोल रहे फ़ोटो ले लो। ये अमरूद वाले भैया जिनसे मैंने अमरूद लिया था। भैया इसमें तो जाने ही नहीं दिया गया। हाँ इन्होंने बोला जैन हो तभी जा सकते हो।
ये अपने भैया हैं। अभी चलते हैं उधर रजवाड़ा पैलेस की तरफ या गणेश मंदिर की तरफ, देखते हैं कब तक खुलता है। 10:30 बजे का टाइम दे रहे हैं वो। बात ऐसी है, चलते चलते हम आ गए राजवाड़ा। बिल्डिंग में अभी चल रहा है काम, तो बिल्डिंग में नहीं जा सकते, बस एक मंदिर है, मंदिर में आप जा सकते हो। मंदिर काफ़ी आलीशान है, तो मंदिर मैं दिखा देता हूँ आपको। बाकी ये देखो, जय मल्हार करके लिखा हुआ है। ये अपना जो भी आप येल्लो येल्लो देख रहे हो, ये पूरा राजवाड़ा ही है। चलते हैं मंदिर में, देखते हैं जा सकते हैं या नहीं। वो भाई हैं, उनसे पूछता हूँ मंदिर में जा सकते हैं या नहीं। भैया अंदर जा सकते हैं, एक रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अंदर, कोई प्रॉब्लम? वो अपने भाई बैठे हैं, पूछता हूँ पहले। जो हमारा मेन राजवाड़ा पैलेस है, राजवाड़ा पैलेस तो अभी रिस्टोर हो रहा है, बाकी अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये एक समझ लो एक तरीके का म्यूज़ियम है, और एक तरीके का अहिल्या बाई की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, सब कुछ है यहाँ पे, बहुत एंटीक एंटीक चीज़ है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, यहाँ से चलते हैं। ये हमारा शिव मंदिर है, यहाँ पे आप जो चीज़ भी देख रहे हो, जो चीज़ भी देख रहे हो, सारा मराठी स्टाइल में बना हुआ है। और जो भी इसको 2007 में दोबारा से रिस्टोर किया गया था, हमारी अहिल्या बाई होलकर की बहुत बड़ी एक, जो हमारा हिंदू अगर आज बचा है, तो अहिल्या बाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। तो वो जो हमारे गार्ड अंकल थे, उनको वो इसलिए बुला रहे थे कि आपने कहीं परमिशन लिए कि नहीं, तो मैंने बोला नहीं सर, मैंने परमिशन ले ली है। अच्छा, मैं कहाँ पे था, हाँ, अहिल्या बाई का 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 34 दर्शनीय स्थल, जितने भी दर्शन वाले स्थल हैं वहाँ पे सब जगह अहिल्या बाई का एक आप कह सकते हो योगदान है। हर जगह पे, कहीं पे उन्होंने धर्मशाला बनवाई, कहीं पे उन्होंने मंदिर बनवाया, कहीं पे उन्होंने वापस से उसको नवीकरण करवाया। और उस ज़माने में भी अहिल्या बाई, आप समझ लो 1733 में उनका 35 में उनका जन्म हुआ था, अहिल्या बाई का महाराष्ट्र में अहमदनगर में, उस जगह पे उनका जन्म हुआ था। उसके बाद 70 साल तक उन्होंने राज किया, उनके पति भरतपुर के राजा से जब लोहा लेने गए, मतलब आक्रमण किया, तो वहाँ पे मारे गए पति और बेटे दोनों। 70 साल तक उन्होंने राज किया, और 70 साल में उन्होंने कभी भी आप समझ लो हारा हार का सामना नहीं किया। बहुत बड़ी वीरांगना थी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा अपने उस शैली में बना हुआ है, मराठी शैली में बना हुआ है, क्योंकि हमारी जो अहिल्या बाई थी वो मराठी ही थी। ये पेंटिंग बहुत सुंदर लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है पेंटिंग। ये कोई पेंटिंग है, ये श्रीमती महारानी संयोगिता देवी होलकर हैं। ये देख रहे हो आप, क्या कमाल का वो है मूर्तियाँ। और ये सारी मूर्तियाँ जितनी भी आप देखोगे सब एंटीक हैं, कोई भी इस ज़माने की नहीं है, सारी एंटीक मूर्तियाँ। यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है, देवी अहिल्या बाई की राजधानी महेश्वर के विविध दर्शन। महेश्वर जहाँ था, महेश्वर इनकी राजधानी, तो महेश्वर में उन्होंने 97 को हिंदी में क्या कहते हैं सर, 97 ना, 97 को हिंदी में 97 मंदिरों का निर्माण करवाया था। जी जी, ये हमारे मंदिर हैं, भोलेनाथ का मंदिर। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। महाराष्ट्र में जब मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा, तो महाराष्ट्र में काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साउथ में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, जहाँ जहाँ मराठे हमारे थे, क्योंकि आप जानते हो एक छत्र राज छत्रपति शिवाजी का था एक समय में, मराठों का पूरे भारत में। ये हमारे नटराज जी की मूर्ति है, क्या खूबसूरत मूर्ति लग रही है यार। कृपया हाथ न लगाएं, दूर से पढ़ें। महेश्वर राजेश्वर से मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में तो उनका महत्वपूर्ण योगदान। देवी अहिल्या बाई का जहाँ जन्म हुआ था, उनके पिता श्री माणक कोजी शिंदे, बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है ये, देवी अहिल्या बाई का जन्म स्थल अहमदनगर चौड़ी गांव में हुआ था इनका जन्म स्थल, ये चौड़ी गांव। अहिल्या बाई अहिलेश्वर मंदिर में देवी अहिल्या बाई की काले पाषाण की प्रतिमा, काला पाषाण यानी काले पत्थर की प्रतिमा,
यहाँ पे लिखा हुआ है उनका पूरा कि कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुई उनकी, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये देखो काफ़ी एंटीक मूर्तियाँ हैं, और ये मूर्तियों को देखकर इधर दिल खुश हो जा रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं मूर्तियाँ। आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी, आप ये ज़रूर बताना। ये देखो सर, ये सब सारी जितनी भी मूर्तियाँ सब उसी काल की हैं ना, जितनी भी मूर्तियाँ सब उस काल की हैं ना, मूर्तियाँ जितनी भी हैं सब अहिल्याबाई के टाइम की हैं ना, जो भी पुरातत्व जहाँ पे भी मिले उनको यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे अहिल्याबाई का पूरा जो अहिल्याबाई की पूरी हिस्ट्री होती है, पूरी हिस्ट्री ए टू जेड वो यहाँ पे इसमें दिखाई गई है। मैं आपको बहुत थोड़ा सा दिखाता हूँ, मतलब आपको देख लो, पॉज करके पढ़ सकते हो, बाकी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पूरी, 4 धाम, 43 तीर्थयात्रों में, 12 राज्यों में इन्होंने काम किया था, और इनका जन्म हुआ था ये देखो 1954 1745 में उन्होंने जन्म दिया था, 1725 में उनका जन्म हुआ था, 1725 में अहिल्याबाई हमारी जो थी उनका जन्म हुआ था। ये देखो मूर्ति, अभी हम चलते हैं ऊपर और एक बार ऊपर से देखते हैं ऊपर कैसा सीन है, क्योंकि ऊपर इनकी तलवारें और काफ़ी की चीज़ें रखी हुई हैं। जो हमारे सर है, सर से बात करके अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं कैसा सीन है। चलता हूँ सर ऊपर, आप कुछ यहाँ के बारे में जानकारी दोगे? यहाँ के बारे में जो जानकारी है, अहिल्याबाई का दरबार पूजा घर है जी। यहाँ पे अहिल्याबाई का घर था एक तरीके से? नहीं जी, पूजा घर और उधर घर था रजवाड़ा, आगे दरबार जो सात मंजिल है वो दरबार है, और इनका निवास सुख निवास लालबाग पैलेस जो कि मुगल यूरोपियन और हिंदू आर्किटेक्ट में बना हुआ है, और जो महेश्वर इनकी राजधानी थी। चलते हैं ऊपर, ठीक है सर, बना के लाओ बल्ला। ओके, तो जो इनका लाल बाग है, मैं अभी आपको लाल बाग भी दिखाऊंगा, लाल बाग बहुत बेहतरीन तरीके से बना हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से। और ऊपर ले तो वो बोला लेना है, ठीक है सर, फोटो। ओके सर, मैं ओके सर। ये रहा इंदौर प्राचीन काल से, इंदौर का इतिहास, एशियन इंदौर, मध्यकालीन इंदौर। ये रजवाड़ा है, ये सामने देखो जब, अच्छा एक चीज़ और, आप लोग जब भी ये पुरानी मूर्तियाँ देखते होगे तो आप लोग ये मत सोचा करो कि ये टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं, फालतू हैं, ये मूर्तियाँ बहुत ही मायने रखती हैं हमारे हिंदू इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही मायने रखती हैं। रीज़न, ये मूर्तियाँ उस समय की हैं जब आप के ख़ानदान में कोई होगा भी नहीं। ये देखो आप क्या, तू ये एंटीक चीज़ है। मुझे पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था इन एंटीक चीज़ों का, लेकिन अभी मुझे बहुत इंटरेस्ट होता जा रहा है एंटीक चीज़ों का। ये हमारा इंदौर का है, देवी अहिल्याबाई, उन्हें वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में आश्रम मंदिर धर्मशाला के निर्माण। देखो सबसे ऊपर काशी विश्वनाथ लिखा हुआ है। तो अहिल्याबाई जी ने हमारे देश में जो कारनामा करके दिखाया था, ना तब ना भूतो ना भविष्यति, ना तब ना अब कोई कर पाएगा वैसा, ना योगी ना मोदी ना कोई, नहीं अखिलेश ना, मतलब कोई ना सरकार कर सकती, ना कोई इंसान कर सकता, रतन टाटा अंबानी नहीं कर सकते, वो काम उन्होंने किया था एक वीरांगना ने। ये उनकी तलवारें हैं, देखो जंग खा गई इन तलवारों का भी क्या किस्मत है, एक टाइम में ये खून से लहूलुहान होती थी और आज अपनी मयान से बाहर तक नहीं निकलती। ये देखो ये उस समय का कपड़ा है, ये क्या है गेस करो, तो के गोले। शिव मंदिर कितना प्यारा लग रहा है आर्किटेक्ट, ये विवाह
मल्लारा होलकर अहिल्या बाई का विवाह का वो दृश्य, और ये घोड़े पे शिक्षा प्रशिक्षण, ये अहिल्या बाई को जब सिखाया जाता था कि कैसे उनको हमारे युद्ध कला नीति, जब वो अपने ससुर से युद्ध कला नीति सीख रही थी वो उसमें दर्शाया गया है। ये हमारे रानी जी की पालकी, क्या खूबसूरत पालकी है ना। जो पालकी हुआ करती थी वो कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, बहुत अच्छा लगता है इनसी पालकियों को देखकर। कैसे सोचो इनको चार लोग मिलकर उठाते थे लेकर रानियों को जाना आना। ये देखो फोटोज, जहाँ पे अभी हैं हम, ये रानी अहिल्याबाई का पूजा घर था, बगल में रानी अहिल्याबाई का रजवाड़ा था जहाँ दरबार लगा करता था, और अभी मैं जहाँ जाऊँगा लाल बाग पैलेस वो उनका घर हुआ करता था, जो कि मुगल आर्किटेक्ट, हिंदू आर्किटेक्ट और यूरोपियन आर्किटेक्ट में बना हुआ है, आर्किटेक्ट में बना हुआ है। बाकी उनकी राजधानी महेश्वर हुआ करती थी। ये देखो आप, ये है महेश्वर। बनारस में काफ़ी घाटों का भी निर्माण करवाया था उन्होंने। बनारस में काफ़ी घाट, बनारस ही नहीं पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में, अखंड भारत में उन्होंने जहाँ जहाँ पे भी हिंदुओं का पुराना इतिहास था, पुरानी चीज़ें थी, हर जगह को उन्होंने एक अलग, उसमें एक नवीकरण बोल सकते हैं जो मोदी जी ने करवाया है अभी काशी विश्वनाथ का, उन्होंने उस समय करवाया था। ये क्या है? ओ वाह, पहले इधर चलते हैं। ओ वाह, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होलकर कॉन्ट्रीब्यू, ओ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी होलकर कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंदौर 681 कॉम्बैट को कॉम्प्यूट। ये देखो आप फोटोज़ देख रहे हो, ये देखो वर्ल्ड वॉर वन की है, रिजल्ट ऑफ बॉम्बार्डमेंट शेल कार्ट्रिज एंड द बिल्डिंग व्यूअर्ड बाय जर्मन शेल्स। ये हमारे फ्रेंच फार्म हाउस पे हिंदुस्तानी सैनिक हैं, ये हिंदुस्तानी सैनिक है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। ये देखो, ये देखो, ये क्या वर्ल्ड वॉर पूरा एकदम सोवियत यूनियन के टाइम का, बहुत एंटीक एंटीक फोटोज इन लोगों ने रखा हुआ है। उस समय की फोटोज अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन लोगों ने, देखने में क्या मजा आ रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सोचो तो उस समय कैसे युद्ध हुआ करते होंगे। ये देखो गन, ये मोटर लॉरी एंड साइकिल ऑफ द इंडियन आर्मी क्रॉप्स क्लियरिंग पैक्ड इन द मेन स्क्वायर ऑफ मैरिवेल। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो, वर्ल्ड वॉर थर्ड भी हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। हर वर्ल्ड वॉर में इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियन सोल्जर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इवन हिटलर ने ये तक बोला था कि अगर मुझे इंडियन आर्मी मिल जाती है तो मैं पूरे देश पे, पूरे विश्व पे कब्जा कर सकता हूँ, इंडियन आर्मी की वो ताकत रही है। ये देखो आप, ये देखो कैसा कपड़ा है इनका, ये देखो, ये है हमारे घनश्याम भैया। तो अभी मैं इनको सर कह रहा था लेकिन अभी एकदम परिवार की तरह लग रहा है, तो इनको भैया मैं कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया इंसान है, ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया। इन्होंने काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि अच्छे के लिए अच्छे रहो, बुरे के लिए उसके उससे ज़्यादा बुरे रहो। तो अब इनसे लेते हैं हम अलविदा। ऊपर इन्होंने, अब मुझे एक चीज़ शक हो रहा है, इन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं या नहीं लिए, ये बोल रहे हैं आपने दिए हैं, मुझे लग रहा है मैंने नहीं दिए। दिए तुम्हारी दिए होंगे। अभी घनश्याम भैया से अलविदा लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं इनका, क्योंकि और हाँ आप बनारस आओगे तो आना है मेरे पास, बिल्कुल पक्के। तो हम बनारस पूरा भारत घूमने के बाद भैया को बनारस बुलाएंगे और बनारस में भैया को सेवा करेंगे भैया की, जैसे भैया ने हमारी यहाँ पे की। नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया साहब, किए ये तो प्यार से बात कर दिया, दो शब्द बोल दिए प्यार से, वही मेरे लिए बहुत है। बाकी अब निकलते हैं, बोलोगे क्या बोलो,
निकलता हूँ मैं लालबाग के लिए, ठीक है भैया। और भैया को मैं भेज दूंगा अपना जितना भी वीडियो बनाया मैंने, ठीक है भैया। ओके, अब चलते हैं लालबाग की तरफ और देखते हैं लालबाग कैसा है, शूटिंग करने देते हैं कि नहीं वहाँ। बस भोलेनाथ से माफ़ी मांग लें, भोलेनाथ से बोल दें कि बोला साथ में रहना हमेशा, बस और कुछ नहीं चाहिए।